एयरफोर्स को किसी और देश में भेजना, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। हीट का जवाब पत्थर से देने आए हो। वक्त आ गया कि हम दुश्मन को याद दिलाएं। ये देश गांधी जी के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस का भी है। अगर हम ऐसे ही बदला लेते रहे तो देश नहीं बचेगा, सिर्फ बॉर्डर्स रह जाएंगे। तो दोस्तों, अक्षय कुमार और नवोदित वीर पहाड़िया अभिनीत आगामी फिल्म स्काई फोर्स को नकारात्मक प्रचार मिलना शुरू हो गया है। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 99वीं जयंती और गांधी जयंती के मौके पर जी स्टूडियोज और मैडॉक्स फिल्म ने पिछले साल अपनी आगामी फिल्म स्काई फोर्स के बारे में एक रोमांचक अपडेट साझा किया था। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है, उनके साथ वीर पहाड़िया भी है जो की बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। कहा जा रहा है की अक्षय कुमार इसमें एक कोच की भूमिका निभा रहे हैं। स्काई फोर्स 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह बहादुरी, गहरी भावनाओं और अदम्य देशभक्ति से भरी एक अनकही सच्ची कहानी का खुलासा करता है। यह फिल्म वर्दीधारी उन बहादुर लोगों को जटिल रूप से प्रदर्शित करती है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शुरुआती और सबसे गहन हवाई हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अद्वितीय साहस के साथ कठिन चुनौतियों का सामना किया। हाल ही में एक ऑनलाइन उपयोगकर्ता ने ट्विटर पर फिल्म की संभावनाओं के बारे में निराशा व्यक्त की और इसे निश्चित रूप से डिजास्टर घोषित किया। हालांकि जिस चीज ने सभी का ध्यान खींचा वह स्काई फोर्स से जुड़े निर्देशक संदीप केलवानी की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया थी। एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट कर लिखा, स्काई फोर्स श्योर शॉट डिजास्टर है, सेव दिस ट्वीट अक्षय कुमार फैंस। वही इस पर रिप्लाई देते हुए डायरेक्टर संदीप केलवानी ने लिखा, डिलीट मत करना ये ट्वीट। दोस्तों, पिछले साल गांधी जयंती पर अपनी अगली फिल्म स्काई फोर्स के बारे में एक रोमांचक घोषणा की थी। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से अभिनेता ने एक छोटी सी वीडियो क्लिप साझा की जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों को बताया कि फिल्म अगले साल स्क्रीन पर रिलीज होने के लिए तैयार है। यानी कि दोस्तों, यह फिल्म इसी साल 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वैसे आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी अक्षय कुमार के डाई हार्ट फैन हैं तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।